फैसल साहब में खुश आमदीद, जहां हम आपको टेक्नोलॉजी की अजीबो गरीब तारीख और उसके दुनिया पर असरात पर रोशनी डालते हैं। आज हम YouTube की तारीख पर रोशनी डालेंगे, जो कि एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि हमारे वीडियो कंटेंट को बनाने, इस्तेमाल करने और फैलाने के साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग के मौके भी देता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक के नाम से जो दिलों के भेद जानता है। YouTube को 2005 में पेपल के 3 पुराने एम्प्लॉइज चैड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने बनाया। इस प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह नवंबर 2005 में किया गया। जल्द ही इस प्लेटफॉर्म ने यूजर क्रिएटेड कंटेंट की वजह से बहुत ही मकबूलियत हासिल कर ली। 2006 में गूगल ने YouTube को $1.65 बिलियन में खरीदा, जिससे इस प्लेटफॉर्म की मकबूलियत में मजीद इजाफा हो गया। 2007 में YouTube की मकबूलियत का ये समा था कि इस पर 100 मिलियन से ज्यादा वीडियोस डाली गई और रोजाना की बुनियाद पर इसको 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल रहे थे। वक्त के साथ साथ YouTube सिर्फ वीडियो कंटेंट ही नहीं बल्कि बहुत से फीचर्स के लिए जाना जाने लगा। आज ये क्रिएटर्स के लिए अपना टैलेंट शेयर करने, कम्युनिटीज बनाने और एड रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाने का प्लेटफॉर्म है। साथ ही वीडियोज बनाकर चैनल मोनेटाइज करके पैसे कमाने के मौके भी फराहम करता है। YouTube ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी खास असर डाला है, जहां कई क्रिएटर्स ने इस प्लेटफॉर्म को अपने कैरियर लॉन्च करने के लिए चुना है। कॉमेडियंस, म्यूजिशियंस और व्लॉगर्स से लेकर शेफ्स और गेमर्स तक YouTube अपने क्रिएटर्स के लिए अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए लॉन्चिंग पैड बन चुका है। लेकिन YouTube को अपनी पॉपुलैरिटी के साथ साथ मुख्तलिफ मुश्किलात का भी सामना है, जैसा कि गलत मालूमात का फैलाव, इंतहा पसंदी वगैरह। YouTube ने इनको कम करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज इख्तियार की हैं, लेकिन फिर भी इसको अभी तक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। YouTube की मकबूलियत में आज तक कमी इसलिए नहीं आई क्योंकि ये अपने आप को हालात और वक्त के मुताबिक मॉडिफाई करता रहता है, जिसका मुंह बोलता सबूत इनका शॉर्ट्स वाला फीचर मुतारिफ करवाना है। ये था YouTube का तारुफ, तारीख और मकबूलियत की वजूहत। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फीडबैक से कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।